Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my channel Beauty of Women. आज मैं आपको ट्राउजर बनाना सिखाऊंगी जो कि हल्का से हम डिजाइन देंगे इसमें ये 14 अगस्त के हवाले से जो है हम मैं ये बता रही हूँ. इसके साथ मैंने एक टॉप भी बनाना सिखा दिया है और आज मैं ये ट्राउजर बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से ये सिलेगा भी और कटिंग भी होगा. सिर्फ हमने ये तकरीबन 3 साल की बच्ची का ये ट्राउजर है और हम थोड़ा सा इसमें स्टाइल देंगे. यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे थोड़ी सी और इसकी जो खूबसूरती बहुत खूबसूरती बढ़ जाएगी. और ये जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली जो मैंने टॉप सिया था उसमें कि 1 मीटर कपड़ा था, आधा हमने ट्राउजर के लिए रखा था, तो इसमें थोड़ा सा कपड़ा हमने ऊपर डाला है क्योंकि ट्राउजर थोड़ा बड़ा होता है. तो ये 24 इंचेस जो है हमने इसकी लेंथ रखी है. ये यहाँ पर मैंने ऊपर कपड़ा थोड़ा सा रखा है, तकरीबन 4 इंचेस जो है मैंने ऊपर कपड़ा रखा है. और इसकी ब्रेथ में जो है 11 इंचेस है. और मैं अब कटिंग करना बताती हूँ आपको. इसकी जो क्रॉच है वो हम रखेंगे तकरीबन 11 इंचेस जो है हम इसकी क्रॉच रखेंगे. और यहाँ से जो इसके जो पैंचे है वो हम रखेंगे तकरीबन 8 इंचेस रखेंगे ताकि थोड़ी सी हम प्लेट्स डालेंगे इसमें. और इस तरह जो है हमारी इसकी कटिंग होगी बहुत ही इजी तरीके से. ये वाला साइड हमने इस तरह रख लिया है, ये डबल करके इस तरह और पीसेस में हमने रख लिया है ये इस तरह. और ये कटिंग हम करेंगे यहां से बिल्कुल इजीली, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ. यहाँ से इस तरह किया हमने और ये हमारे हम ज्वाइन करेंगे इस कपड़े को, बाद में कर लेंगे, कटिंग पहले बता दी मैंने. और यहाँ से थोड़ा सा हम ये हमारी कटिंग हो गई है और यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे उसके हिसाब से हमें जो पैंचे हैं हम इस तरह ये हम ग्रीन यहाँ पर थोड़ा सा स्टाइल देंगे ताकि खूबसूरत लगे. ये सबसे पहले हम यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पर जोड़ने के बाद हम दोनों तरफ से इस जगह से सी लेंगे. जो क्रॉच है हम वहाँ वो सी लेंगे. ये देखिए व्यूअर्स, हमने ये यहाँ पर ज्वाइन भी कर लिया है कपड़ा और ये सिलाई भी कर ली है. बस यहाँ से दोनों 2-3 बहुत जल्दी से और बहुत ही आसानी से सिलने वाली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ. ट्राउज़र बता रही हूँ बच्चों का, बेबी ट्राउज़र. और जब आप चाहें सी सकते हैं आसानी से. अब हम थोड़ा सा यहाँ से छोड़ने के बाद हल्के हल्के यहाँ पर प्लेट्स देंगे इस तरह रखें और इस तरह प्लेट दे लें. आपको जितने भी बड़े या छोटे पैंचे रखने हैं तो वो उसके हिसाब से आप ये प्लेट देंगी. दोनों साइडों से इतना इतना छोड़ दें. ये देखें व्यूअर्स, यहाँ से जो है हमारा ये उल्टी साइड, ये सीधी साइड है. हमने ये प्लेट्स डाल ली है और यहाँ से जो है हमें ये जो ग्रीन का जो हमने ये ली है ये यहाँ से इस तरह आप ज्वाइन कर लें. देखें व्यूअर्स, ये बहुत ही आसानी से बनने वाली और बहुत ही जल्दी बनने वाला ट्राउजर है. ये ट्राउजर कहलें, इसका मुझे पता नहीं है सही तरीके से कि क्या इसको इस ट्राउजर को क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी मेरी अदना सी कोशिश है. ये तकरीबन बहुत ही जल्दी सीने वाला. आप यहाँ से इस तरह मोड़ेंगे और यहाँ पर सिलाई मारेंगे. ये देखें व्यूअर्स, ये जो हमारे पास ये कपड़ा था जो ये कम था, इस वजह से हम मैंने यहाँ से पीछे की तरफ से ज़रा कम रखा है, आगे की तरफ से ज़रा सा ज़्यादा ऊपर की तरफ कर लिया है. इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि ये जो प्लेट्स हमने डाली हैं इसको ये बिल्कुल इक्वल तरीके से आए और इसके ऊपर ये सही तरीके से आए. इस तरह
और ये वाला कपड़ा ऊपर से अगर आप खींचेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, इसमें जो है ख़राबी मतलब कि रेप आ जाएगी और फिर मुड़ने में मुश्किल होगी। आप नीचे वाला कपड़ा ज़रा अपनी तरफ खींचें और पीछे वाला ज़रा लूज़ रखें, लूज़ नहीं मतलब सही रखें तो नहीं आएगी। ये देखिए व्यूअर्स, अब यहाँ से आप सिलाई कर लें। आपको जितने भी ये बड़े रखने हैं छोटे रखने हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं और पूरी सिलाई नीचे तक दूसरी साइड तक हम यहाँ से लेकर आएंगे। ये बिल्कुल बराबर रखें और इस चीज़ को हम इस तरह कर लेंगे। इस चीज़ को हम इस तरह कर देंगे। हल्का हल्का यहाँ पर हम कट लगाएंगे। जितनी आपको इलास्टिक की नीड हो उस हिसाब से आप डाल लें। पहले सबसे पहले हमने पूरा सी चुके हैं और ये मैं बहुत इजी और आसान भी बहुत ही इजी और तरीका मैं आपको बता रही हूँ जो कि आप घर में ना सीने वाले भी हों तो वो भी सी सकते हैं ट्राउज़र को इजीली। ये रखें बैक साइड और ये रखें इस तरह, यहाँ से इस तरह रखें और ये वाली चीज़ इस तरफ रखेंगे। ये जितनी आपको नीड हो उस हिसाब से आप इसको फोल्ड कर लें और चारों तरफ सिलाई करते हुए हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि अब हमारे जो ये इसकी जो पोजीशन है वो अगर हम गलत रखेंगे तो ये इस तरह सही नहीं रहेगी। तो आप ये चीज़ निकालें और इस चीज को इधर रखें। ये तीन चार तरीके से जो है हमसे गलती भी हो जाती है और सही तरीका भी बताने की कोशिश करती हूँ मैं। ये देखें व्यूअर्स, अब हम ये चीज जो है हमारी एक्स्ट्रा ये वाली चीज हमें यहाँ से इस तरह करके ऐसे कर लें तो ये पूरी प्लास्टिक आ जाएगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो ट्राउज़र है वो तैयार हो चुका है। ये इलास्टिक भी डल गई है और ये देखें यहाँ से जो है हमारी ये वाली चीज़ इस तरह बन गई है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो नोट टाई भी यहाँ पर आप बनाकर लगा सकते हैं साइड में या यहाँ पर, जो कि बहुत खूबसूरत लगेगी। इस जगह पर अगर नोट टाई डालें या यहाँ पर आप अगर छोटी थोड़ी सी अगर इस जगह पर भी हम प्लेट्स डाल लेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगी इस जगह पर। तो वैसे ही मैं आपको आइडियाज़ दे रही हूँ। ये हमारा ट्राउज़र तैयार हो चुका है, ये देखें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी ये मेरी छोटी सी कोशिश। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, खुश रखें दूसरों को भी, अपना ख्याल रखें दूसरों का भी ख्याल रखें। और मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए भी, और आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखिएगा।
इसके अलावा मैं कोशिश करूंगी कुछ और भी सिखाने की। बहुत ही आसान तरीका है ये और बहुत ही इजी सिलेगा ये आप, जब आप कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।